किलो से भारी है। हाँ 7 किलो का है ये। हाँ गलत क्या हुआ है वो जो नंबर, गाड़ी का नाम गलत हो गया, गाड़ी का नाम गलत हो गया। ये वाला डाला है बट पेड अगर करवाओगे तो 660 लगेगा। ये आफ्टर थ्री सर्विस है ना। एवरीवन गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब, आई होप सब बहुत मजे में होंगे। तो आज का डे ऐसे शुरुआत हुआ है कि मॉर्निंग में मानू के पापा चले गए हैं टूर पर और अभी बजे 11:15, तन्नू चली गई है स्कूल, मानू मेरे पीछे ही बैठी है, कुछ हरकतें करी जा रही है और मैं जाने वाली हूँ। जो मैंने स्कूटी ली थी ना न्यू, उसकी सर्विस ड्यू हो गई है, मतलब 1 महीना हो गया मुझे लिए हुए, और साथ ही साथ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो गई है। कुछ लोन जो मैंने अप्लाई कराया था ना उसमें उन लोगों ने मॉडल नंबर कुछ गलत डाल दिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ होने वाली है घमासान युद्ध, बिकॉज 2 तारीख को अगर इंस्टॉलमेंट लग गई तो इट मीन्स मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी नंबर गाड़ी का मॉडल चेंज है और वो वैसे कह रहे हैं कि होगा नहीं बट मेरे ऐप में शो हो रहा है। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो फटाफट वहाँ जाके सॉल्व करवाती हूँ, साथ ही साथ अगर हो पाया तो सर्विस भी करवा के आ जाऊँगी। तो आपसे मिलूँगी सीधा होंडा के शोरूम में। लेकिन मिलने से पहले पीछे देख लीजिए, तन मानो हमारी उन्हीं कपड़ों में है जिनमें, बट आज अभी नहा धो लेगी, रेडी हो जाएगी, कल इसका एग्जाम है, कल है ना, कल इसका एग्जाम है तो आज छुट्टी पे है, तो आज ये रहने वाली, अगर मैं लेट होगी तो ये तन्ना को ले आएगी, नहीं तो मैं लेते हुए आऊंगी। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे होंडा के शोरूम में। ये सारी ना खुरेचे मार दिए हैं, ये हमारे यहाँ पे ना कैटी है, बिल्ली बहुत रहती है सोसाइटी में ना, 3-4 बिल्लियाँ हैं देखो। तो इसके सीट कवर भी मुझे चेंज कराना है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कराऊंगी, लेकिन पहले मैं सोचूँ सर्विस करा दूँ, फिर इसका सीट कवर चेंज कराना है, इसमें स्टिकर्स लगाने हैं, बहुत कुछ करना है। तो चलिए चलते हैं। ऑयल वगैरह सब चेंज होना है, इंजन ऑयल चेंज होना है बस। प्रॉब्लम बस एक ब्रेक में आ रही है, ये ब्रेक आवाज करने लगी है कुछ साइड वाली, राइट हैंड वाली, बाकी तो सब ठीक है। कौन हैंडल कर रहा है मेरी, कोई दिक्कत होगी ना तो सच्ची में नहीं पता क्या। 2 तारीख को लोन कट, कैमरे मैन को बस सेटिस्फाइड कर देना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बस 2 तारीख को किस्त नहीं कटने की, तो लोन जो कैंसिल होएगा वो हो जाएगा जल्दी। आप ईएमआई डाल देना। अच्छा ऐवे डाल दूं, फ्री में बट रहा है पैसा, आपके फायदे के लिए ही तो कर रहा हूं। लेकिन गलत क्या हुआ है वो जो नंबर, गाड़ी का नाम गलत हो गया, गाड़ी का नाम गलत हो गया, नहीं गाड़ी का नाम गलत हो गया। यहां बैठने का फायदा है नहीं है, आप खुद आए हो, मैं तो बोला था आपको आना नहीं है, मेरे को सर्विस के लिए भी बुला रहे थे ना। हां तो सर्विस करवा ली, तो वो मेरे नीचे है गाड़ी। मैं अपने काम से नहीं आई हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम से आई हूं। ये वाला डाले हुए हैं, तो अभी ये वाला चार्ज नहीं लगा मेरा, जस्ट ऑयल का लगा है 332 रुपए। तो बस मैं गेट पास ले रही हूँ, ठीक है, थैंक यू। फाइनली घर पे आ गई हूँ, बहुत गर्मी है गाइस, दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है, मतलब दिल करा बिल्कुल बाहर ना निकलो, लेकिन अभी फिर निकलना है क्योंकि तन्नू को स्कूल से लेने जाना है। तो एक और चीज़ दिखा रही है, मैं कुछ लेके आई हूँ और बहुत छोटी वाली चीज़ लेके आई हूँ, हमारा जाइंट फूड। गाइस बहुत टाइम से ना तरबूज खाने का मन था लेकिन मैं लेके आ रही थी, ये तो उठ नहीं पा रहा है, कितना किलो है, कितना जाइंट फूड हम लेके आए हैं। तीन बार मैं ब्लैक वाला लेके आई थी, जिसे पहले कालकी बोला जाता था, कालकी बोलते थे शायद। हाँ 7 किलो का है ये। हाँ तो लेकिन गाइस बहुत, ये वाला मैं कटवा के लेके आई हूँ, और नहीं तो उसमें पता क्या इंजेक्शन वगैरह और वो सब बड़ा डर रहता है ना, बट ये बिल्कुल फ्रेश देखो, बहुत मस्त यम्मी यम्मी आपको तरबूज खाने को मिलेगा। और ये मुझे मिला 25 रुपीज के जी। अच्छा मुझे लगा सिर्फ 25 रुपए। नहीं कट पागल, ऐसे नहीं उठेगा, इतना हैवी है। चलो बस छोड़ देने को लेने, और इतनी धूप, मतलब सीट जली हुई थी, मैं पीछे बैठी हूँ 2 मिनट फिर आगे आई हूँ, और मैंने अपनी सीट लिटा रखी है इस टाइम पे। मुझे तन्नी ने ये वाली आइसक्रीम दिलाई है क्योंकि उसके पास, उसने कहा मैं तो ये वाली लूंगी, जितने पैसे बचे उसमें मेरे को भी दे दो एक प्लेट, तो उसमें से सिर्फ ये